ये मैं गोवा से लेकर आया था सिप्पी। देखिए ओरिजिनल सिप्पी थी ये, बहुत बेहतरीन। लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरे एक्वेरियम में चल जाएगी, लेकिन ये मर गई है। देखिए ये मर गई, इसने अपना मुंह खोल रखा है। देखिए इसका मुंह है, इसका ये मर चुकी है। एक्वेरियम में नहीं चल पाई क्योंकि इसे समुद्र पानी चाहिए था शायद, और मैंने सोचा कि शायद काफी दिनों तक ये बाहर पड़ी हुई है, तो ये शायद किसी भी पानी के अंदर चल जाएगी। लेकिन ये मेरी गलती थी जिसका मुझे अफसोस है कि मैं इतनी दूर से इसको लेके आया, बट इसे पाल नहीं पाया मैं और ये मर गई। मरने और जिंदा का पता जब चलता है, अगर ये जिंदा होती है तो ये सांस लेती है बार बार, और ये अपना मुंह बंद कर लेती है और सांस लेने के लिए फिर दोबारा खोलती है। चीजों को खाने के लिए ये दोबारा खोलती है अपने मुंह को, बट मैं इसको बंद करके देखूंगा। देखिए बंद कर रहा हूँ और ये फिर भी अपने मुंह को खोल लेगी। ये बहुत मुश्किल से मिलती है ये वाली सिप्पी। सिप्पी दूसरी भी मिल जाती है, वो काली काली सी जो होती हैं, लेकिन ये ओरिजिनल सिप्पी है जो समुद्र की गहराइयों के अंदर मिलती हैं। ये समुद्र के भाव से ये बाहर आ गई होगी, इसलिए ये मुझे मिल गई। बहुत मुश्किल से मिलती है लोगों को, इसके लिए काफी गहराई के अंदर उतरना पड़ता है तब ये मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार ऑल एवरीथिंग चैनल की ओर से, और काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। मेरी यही आशा थी, यही मेरी भावना थी कि मैं जब भी आपके सामने आऊँ अपनी वीडियो को लेकर के, तो कुछ नई और डिफरेंट, यानी कि कुछ हद हट करके कोई वीडियो डालूँ जो कि सत्य घटना के ऊपर आधारित हो, और जो जिसमें क्या नाम है सत्य हो, झूठ कुछ ना हो। तो हम लोग अभी कुछ फ्रेंड्स और कुछ हमारे सीनियर्स, मैं एक कंपनी में जिसमें काम करता हूँ, हमारा कंपनी टूर गया था, गोवा गए थे हम लोग। तो गोवा में जो समुद्र है, जिसे शायद मैंने पूछा तो लोगों ने ये कहा कि ये हिंद सागर है, हिंद महासागर है। और हमने उस सागर पे, उस वहाँ के बीच पे, उस एक बीच है जहाँ पर क्या नाम है अपना जो सी रॉक्स होते हैं, समुद्री पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियों के टुकड़े होते हैं, उसी टाइप से मतलब वहाँ पर था कुछ। और हम लोग वहाँ गए थे, हम फोटोग्राफिंग कर रहे थे मेरे दोस्त वगैरह, लेकिन मैं अपने पूरे मतलब अपनी सोच से, ये पूरी घर से ही सोच बना के गया था कि मैं समुद्र पे कुछ डिफरेंट चीज़ों को देखूंगा। मेरी आशा थी, मेरी एक अभिलाषा थी कि मैं कुछ अलग अलग जीवों को वहाँ देखना चाहता था। लेकिन कहते ना कि एक मीडियम क्लास का बंदा अपने हद में ही रह के काम कर सकता है। फिर भी मेरी भाग्य था कि मुझे कुछ वहाँ पर अद्भुत चीज़ें मिली देखने को, और जिनमें से क्या नाम है कुछ केकड़े थे, जैसे कि केकड़े वहाँ ब्लैक केकड़े थे, बहुत सारे केकड़े मैंने देखे। उनकी भी मैं आपको वीडियो डालूंगा, क्लिप, छोटी सी क्लिप भी डालूंगा क्योंकि मैं वहाँ पर एक छोटी सी क्लिप भी बना पाया था। और मुझे वहाँ सिप्पी मिली, मैंने आपको बताया पहले भी, और मुझे वहाँ पर एक दशनावती नहीं, अपना पंचमुखी शंख मिला, ठीक है। और मुझे वहाँ एक अद्भुत चीज़ और भी मिली थी जिसका नाम मैंने आज तक सुना था, देखा नहीं था, जेली फिश। वहाँ जेली फिश भी मुझे मिली थी बीच पे, बट मेरे जो संगी साथी थे वो इतने भावुक हो गए थे उसे देख करके। वो मेरे दिखी तो मुझे ही थी, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था, लेकिन मैंने बताया कि भाई ये जेली फिश है, लेकिन वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने जल्दीबाजी में क्या नाम है जेली फिश नहीं दिखाई, बस मेरी वीडियो बना दी बोलते हुए, और अपनी वीडियो बना दी, जेली फिश को नहीं दिखाया। कोई नहीं, कभी फिर मौका भगवान ने दिया तो फिर हम आपको दिखाएंगे जेली फिश भी कैसी होती है। और मेरी आशा हमेशा यही रहेगी कि मैं आपके साथ में जब भी आऊँ, चाहे वो काफ़ी दिनों के बाद आऊँ,
तो आपको मैं कुछ हटके दिखाऊं और किसी अद्भुत चीजों के ऊपर ही मैं आपको वीडियो दिखाऊं और किसी चीज की जानकारी दूं तो उसमें कुछ जान हो, यानी कि कुछ उसमें कुछ हकीकत हो। तो आशा करता हूं कि मेरी ये जो सीपी वाली वीडियो है आपको बहुत पसंद आए, और अगर आए तो आप उसे शेयर करें अपने दोस्तों से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के चलते मैं अब आपसे विराम चाहूँगा, एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगा, जो कि मेरी वो वीडियो होगी द पंचमुखी शंख। मैं आपको दिखाऊंगा उस वीडियो में। और नमस्कार दोस्तों।